INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, चिदम्बरम को ईडी कर सकती है गिरफ्तार। भगोड़े जाकिर नाइक की उल्टी गिनती शुरू, रूस में जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण पर पीएम मोदी ने मलेशिया की पीएम से की बात। कश्मीर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की पाकिस्तान की नई साजिश, आईएसआई ने आतंकी संगठनों को दिए धार्मिक स्थलों पर हमले के निर्देश, खुफिया एजेंसियों ने इंटरसेप्ट पर की बातचीत। लंदन में उच्चायोग पर हमले को लेकर ब्रिटिश अधिकारियों से मिली भारतीय उच्चायुक्त रुचि घनश्याम, कहा उच्चायोग को नुकसान नहीं होगा बर्दाश्त। मोदी के रूस दौरे पर कोमो 2260 हेलीकॉप्टर्स पर बड़े फैसले की उम्मीद, सूत्रों के मुताबिक 200 कोमो 2260 हेलीकॉप्टर खरीदेगा भारत, समझौते हुए तो 60 हेलीकॉप्टर रूस में बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी 5वें ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन दोपहर 3 बजे जूडो चैंपियनशिप देखने जाएंगे, इसमें 6 सदस्य भारतीय टीम भी ले रही है हिस्सा। दोनों देशों के बीच 15 MOU हुए साइन, व्यापार, रक्षा, रक्षा उपकरण, तकनीक, न्यूक्लियर, ऊर्जा, परिवहन और स्पेस के क्षेत्र में सहयोग पर हुए समझौते। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात में कश्मीर पर भी हुई बात, समर्थन के लिए पीएम ने कहा शुक्रिया। अनुच्छेद 370 पर बीजेपी ने जारी की 9 मिनट की शॉर्ट फिल्म, फिल्म अनुच्छेद 370 लागू होने से लेकर हटाने तक की पूरी कहानी। कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्सों में हालात पूरी तरह सामान्य, दोबारा शुरू हुई संचार सेवाएं, डीसी ने किया ट्वीट। कश्मीर में 2400 घंटे बिजली देने के लिए 300 करोड़ रुपए निवेश करेगी सरकार, 3 नए ग्रिड बनेंगे, पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय का दल आज जाएगा कश्मीर। कश्मीर में पकड़े गए दोनों पाकिस्तानी आतंकवादियों की वीडियो को सेना ने किया जारी, वीडियो में आतंकियों ने कबूला पाकिस्तानी फौज ने ट्रेनिंग के बाद कराई भारत में घुसपैठ। सेना ने दिखाई पाकिस्तान को जिंदा सबूत, घुसपैठ की कोशिश पर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी, कहा 71 से भी बुरा हाल करेंगे। राजस्थान के बीकानेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गांव में 2 महीने के लिए बढ़ाई गई धारा 144 की अवधि, रात में एक साथ बाहर निकलने और पाकिस्तानी सिम के इस्तेमाल पर भी रोक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्वरोजगार के लिए लोन देने की प्रक्रिया शुरू, बुधवार को डूडा के इंटरव्यू में पहुंचे सैकड़ों बेरोजगार युवक। सिख श्रद्धालु पूरे साल कर सकेंगे करतारपुर साहिब के दर्शन, नहीं लेना होगा वीजा, भारत पाक के बीच तीसरे दौर की बातचीत में बनी सहमति। UAPA कानून के तहत मसूद अजहर, हाफिज सईद लखवी और दाऊद इब्राहिम आतंकवादी घोषित, रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी। 7 सितंबर को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 100वां दिन होगा पूरा, बीजेपी मोदी सरकार के 100 दिनों में किए गए कार्यों पर करेगी रिपोर्ट कार्ड पेश। दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम करेगी सरकार, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता तक उपलब्धियां पहुंचाएंगे सभी मंत्री। सरकार के सभी फैसलों को लेकर अखबारों में आर्टिकल भी लिखेंगे मंत्री, 9 और 10 सितंबर को देश के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक सरकार चलाएगी स्वच्छता सेवा अभियान, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी और कार्यकर्ता देंगे सम्मान। गुरदासपुर में बटाला की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से 23 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा घायल, रिहायशी इलाके में चल रही थी फैक्ट्री, राज्य सरकार ने दिए जाँच के आदेश। मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश के आसार, मुंबई ठाणे और कोंकण इलाके में स्कूल कॉलेज बंद, मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह, लंबी दूरी की कई ट्रेनें रद्द। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बने वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश में हुए सक्रिय, बैतूल, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में अलर्ट। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अहमदाबाद GUSEC के स्टार्टअप के एनुअल अवार्ड फंक्शन में की शिरकत, कहा GDP को लेकर विपक्ष फैला रहा अफवाह।
हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 की तैयारी में जुटी कांग्रेस। कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। हुड्डा को मिला चुनाव समिति के अध्यक्ष पद का कार्यभार। शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन वसीम रिजवी को बड़ा झटका। शत्रु संपत्ति और वक्फ की जमीन में हेराफेरी मामले में रिजवी अग्रिम जमानत की याचिका रामपुर कोर्ट ने की खारिज। आज फिर मामले की सुनवाई। स्ट्रिंग ऑपरेशन मामले में बढ़ सकती है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मुश्किलें। सीबीआई ने कोर्ट को सौंपी सीलबंद रिपोर्ट। 20 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत निशुल्क खाना बांटने के नाम पर घोटाले का आरोप। 40 लोगों को खाना खिला बता रहे 125 का आंकड़ा। रोजाना 17,000 रुपए का उठा रहे फर्जी भुगतान। आज आधी रात से दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो और स्पाइस जेट के उड़ानों में होगा बदलाव। स्पाइस जेट की सभी विमान अब टर्मिनल 2 की जगह टर्मिनल 3 से भरेंगे उड़ान। इंडिगो के भी कुछ विमान टर्मिनल 3 से भरेंगे उड़ान। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक ऑटो ड्राइवर को 47,000 तक का कटा चालान। शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप। आरोपी ने 7 दिन पहले 27,000 में खरीदा था ऑटो। राजस्थान के जयपुर प्रशासन का बड़ा आदेश। पुलिस कर्मियों को वीआईपी मूवमेंट, धरना प्रदर्शन, मेले जैसी जगहों पर ड्यूटी करने के दौरान मोबाइल के प्रयोग पर लगी पाबंदी। पंजाब के होशियारपुर सर्वहितकारी विद्या मंदिर के विनायक शर्मा बने इसरो के मेहमान। 7 सितंबर को प्रधानमंत्री के साथ देखेंगे चंद्रयान 2 की लैंडिंग। परिवार में खुशी की लहर। हनीप्रीत को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से नहीं मिली हनीप्रीत को जमानत। 9 सितंबर को हनीप्रीत पर चार्जेस फ्रेम हो सकता है। मॉनसून सीजन के 2 महीने के भीतर केदारनाथ पहुंचे 30,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु। प्रबंधन समिति की दलील, बढ़ सकती है केदारनाथ यात्रा की एडवांस बुकिंग। दिल्ली के जोरबाग में शाह मर्दान की 10 एकड़ बेशकीमती जमीन को लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड और अंजुमन हैदरी आमने सामने। जमीन अधिग्रहण को लेकर अंजुमन हैदरी ने लगाए वक्फ बोर्ड पर कई इल्जाम। डेरा में रियल एस्टेट की 45% शिकायतें यूपी की। यूपी में बिल्डरों ने किया ग्राहकों से सबसे ज्यादा फ्रॉड। शिक्षक दिवस पर पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देश कर रहा याद। डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी शिक्षकों को दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने डॉक्टर एस राधाकृष्णन को शिक्षकों की प्रेरणा बताते हुए एक वीडियो ट्वीट किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर ट्वीट किया, देश भर के शिक्षकों को दी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस पर अमित शाह ने भी किया ट्वीट, लिखा, देश उन सभी शिक्षकों को दिल से नमन करता है जो देश को सभ्य और शिक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ओडिशा के संभलपुर में हाईटेक क्लास में बच्चों को टैबलेट की मदद से पढ़ाया जाता है। इस स्कूल को इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके छात्र ने अपने गांव में ही बनवाया। 124 छात्र करते हैं पढ़ाई। बेंगलुरु के इंडस इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है रोबोट। 3 रोबोट करीब 300 छात्रों को 5 विषय पढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में राजेश नामक टीचर की अनोखी पहल, बच्चों को पढ़ाने के लिए संगीत का सहारा। आदिवासी गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। यूपी में अब सरकारी टीचर्स और स्टूडेंट्स की ऑनलाइन लगेगी हाजिरी। शिक्षक दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया प्रेरणा ऐप और वेब पोर्टल। यूपी के कौशाम्बी में एक मुस्लिम टीचर बच्चों को पढ़ा रहे संस्कृत। मजहबी एकता की मिसाल को बुलंद कर रहे 77 साल के इस टीचर को लोग प्यार से पंडित हयातुल्ला कहते हैं। यूपी के जौनपुर में एक रिटायर्ड टीचर रोजाना किसी न किसी स्कूल कॉलेज में जाकर फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, साथ ही गरीब लेकिन प्रतिभावान छात्रों की आर्थिक मदद भी करते हैं। यूपी के मऊ में नया बना एक सरकारी प्राथमिक स्कूल प्राइवेट स्कूलों को दे रहा टक्कर। उद्घाटन के मौके पर बच्चों को मुफ्त में स्कूल ड्रेस और किताबें दी गई। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के शहर कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने उठाया चाय बेचने वाले एक बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा। पूरे जिले में हो रही है श्री प्रकाश की तारीफ।
पंजाब के मनसा में गरीब बच्चों के बीच शिक्षा की रोशनी बिखेर रहे हिमांशु। इनके पढ़ाई 250 से ज्यादा बच्चे अब कई बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कई बच्चों को मिल चुकी है नेशनल स्कॉलरशिप। झारखंड के लोहरदगा के एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर दो छात्रों को बेरहमी से पीटने का आरोप। प्रिंसिपल की पिटाई से घायल दोनों छात्रों को अस्पताल में किया गया भर्ती। देश की ऑटो इंडस्ट्री में सुस्ती का दौर जारी। कार और टू व्हीलर्स के बाद अब ट्रकों की बिक्री में भी बड़ी गिरावट। अगस्त में ट्रकों की बिक्री में 60% की कमी आई। मारुति सुजुकी के मानेसर और गुरुग्राम के प्लांट 7 और 9 सितंबर को रहेंगे बंद। कंपनी में किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। पंजाब नेशनल बैंक और एचडीएफसी बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में किया बदलाव। करोड़ों ग्राहकों को होगा नुकसान। बहमास में डोरियन तूफान से भारी तबाही। अब तक 7 लोगों की मौत। करोड़ों का हुआ नुकसान। फिल्म 1983 का शूटिंग शेड्यूल पूरा कर लौटे रणवीर सिंह। साथ में दीपिका पादुकोण मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर पति रणवीर के हाथों में हाथ डाले नजर आईं।